हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल डीजी क्लास में। फ्रेंड्स, यहां पर जो है राजकीय महिला पॉलिटेक्निक पटना की तरफ से यहां पर आया है ऑफिशियल अपडेट वैकेंसी का, जो कि अतिथि व्याख्याता और भी पद पर भर्ती आई हुई है, जिसका कि यहां पर विज्ञापन दिया गया है। इसका पूरा अपडेट किया है जानने के लिए देखिए फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक। और फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैंने दो दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, जो कि सिवान पॉलिटेक्निक कॉलेज से वैकेंसी आया था, उसका जो है आपको इंटरव्यू फरवरी में ही है, तो किस दिन है मैं अभी डेट बोल रहा हूँ, तो जाके वो वाला वीडियो देखिए। वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है चैनल पर और बहुत सारे लोग देखे भी हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप भी देखे होंगे, नहीं देखे तो जाके देखिए। उसमें भी इंटरव्यू चालू है, सीधे भर्ती है, सिर्फ आपको जाना है डॉक्यूमेंट लेकर और देना है इंटरव्यू और आपको ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आ चुका है एक नई भर्ती पटना की तरफ से, देखते हैं इसका क्या है अपडेट। बिहार सरकार विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अंतर्गत फ्रेंड्स यहाँ जो है आपका भारत तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली तथा बिहार सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता रखने वाले वालों से जो है आवेदन पत्र के साथ बायोडाटा, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति तथा दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है दिनांक 4 फरवरी 2020 तक राज्य की महिला पॉलिटेक्निक पटना के कार्यालय में कार्यालय अवधि तक आमंत्रित किया जाता है। यानी आप लोग जो है 4 फरवरी तक इसको आवेदन कर सकते हैं, कहाँ पर, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज पटना में कार्यालय अवधि तक। तो इसका फॉर्मेट कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, सब बताएंगे आगे, तो वीडियो को देखते रहिए। और फ्रेंड्स, इसके बाद क्या करना है कि 11 फरवरी 2020 को सभी मूल प्रमाण पत्रों सहित राजकीय महिला पॉलिटेक्निक पटना के कार्यालय में डेमो क्लास या जाँच परीक्षा एवं साक्षात्कार हेतु उपस्थित हो सकते हैं। जो आवेदन करेंगे वही लोग जो है 11 फरवरी को यहाँ पर जा सकते हैं डेमो क्लास या जांच परीक्षा या इंटरव्यू में। और जो है अभ्यर्थी जो है अपना आवेदन रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज सकते हैं, हाथों हाथ या कुरियर द्वारा भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। याद रखिए, सिर्फ आपको भेजना है रजिस्ट्री पोस्ट या स्पीड पोस्ट से, बाकी कोई तरीका यहाँ पर आपको काम नहीं करेगा, याद रखिएगा। और बिहार सरकार द्वारा देय आरक्षण का लाभ अभ्यर्थियों को दे होगा और अनुभव प्राप्त अतिथि व्याख्याता या अतिथि अनुदेशक को वरीयता दी जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पर उसका मेन पॉइंट कि किस किस पद पर वैकेंसी आई है, क्या शैक्षणिक योग्यता और कितना मानदेय आप लोग को मिलेगा। तो पहला जो पोस्ट है वो है व्याख्याता का पद, वो इसमें देखिए विद्युत अभियंत्रण में है, इलेक्ट्रॉनिक्स अभियंत्रण में है, कंप्यूटर साइंस में है, आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप में है और भौतिकी में है। तो इसमें जो है आपका सबका जो शैक्षणिक योग्यता है, देखिए यहाँ पर दिया गया है कि संबंधित शाखा में जिसके लिए भरेंगे, ठीक है, उसी शाखा में जो है आपको बीई, बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी से पास होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर जो भौतिकी है, अतिथि भौतिकी के लिए आपको संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। और बात करते हैं मानदेय का, तो आपको प्रति क्लास मिलेगा 800 रुपये या 30,000 रुपये मिलेगा प्रति माह। तो ये रहा आपको व्याख्याता पद के लिए। दूसरा फ्रेंड्स है आपको अनुदेशक का पद के लिए, ठीक है, इसके लिए आपको है कर्मशाला अनुदेशक, इसमें जो है संबंधित ट्रेड में, ठीक है, द्वितीय वर्ष यानी दो वर्ष दो साल का ITI होना चाहिए और साथ में एक वर्ष का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग या एक वर्ष का कार्य अनुभव अथवा संबंधित शाखा में 3 साल का डिप्लोमा भी होना चाहिए। अगर आप 3 साल का डिप्लोमा किए हैं तो आप जा सकते हैं, वरना अगर आप ITI किए हैं 2 साल का तो साथ में 1 साल का अनुभव होना आपका अनिवार्य है। इसमें बात करते हैं मानदेय का, तो आपको प्रति क्लास मिलेगा 400 रुपये या अधिकतम मिलेगा 13,000 रुपये प्रति माह। अब देखते हैं, यहाँ बात करते हैं आवेदन प्रारूप का, ये रहेगा आपका फॉर्मेट, यहाँ देखिए कैसे कैसे फॉर्मेट है, ये आपको खुद भरना है। इसका लिंक कहाँ मिलेगा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, सब कुछ इस तरह से भर के आपको जो है यहाँ पर साइन करके भेज देना है। और देखिए यहाँ पर शर्त क्या दिया है कि डेमो क्लास, जाँच परीक्षा या इंटरव्यू के लिए कोई भी यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा और रिक्तियाँ आवश्यकता अनुसार कम या अधिक हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारी जानकारी दी गई, आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग को लंबा वीडियो पसंद नहीं है। और ज़्यादा जानकारी के लिए देखिए विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट जो है www.dwpp.ac.in पर आप जाके सारा कुछ देख सकते हैं, ये वाला आपको फॉर्मेट भी मिल जाएगा। ये आया है अपडेट प्राचार्य राजकीय महिला पॉलिटेक्निक पटना की तरफ से। तो
फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है उनके लिए जो बीई बीटेक डिप्लोमा या आईटीआई किए हैं और पॉलिटेक्निक में उनको पढ़ाने का मौका मिल रहा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो तो हमें आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या और भी जानकारी के लिए आप जो यहाँ पर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पर जाके इसको आप विजिट करके फॉर्मेट वगैरह सब कुछ पा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे भी आपको इस तरह के जॉब्स के अपडेट मिलते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।